हर गली में हर घर में सुखदेव सिंह पाड़ा है। तो क्या वो सुखदेव सिंह तैयार है? क्योंकि मुझे आज उन सुखदेव सिंह की बहुत जरूरत है। आज फिर से उन लोगों ने दगा किया है, दगा करके एक शेर को गीदड़ों ने मारा है, एक हीरे को हमने खोया है। आप लोगों के भी पता है कि घर से अगर कोई चला जाता है तो उसकी पूर्ति कभी भी नहीं होती, मेरी भी नहीं हो रही। मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकती, मतलब मेरे ऊपर क्या बीतरी है मैं बयान नहीं कर सकती आपसे। पर मैं मेरे भाइयों से शेयर करना चाहती हूँ कि भाइयों, जितनी मांगे मानी है ठीक है, लेकिन एक मांग मेरी भी है जो आप लोगों को मंगवानी है, जो आप लोगों को मेरी सपोर्ट करनी है। ये लोग क्या पता कह देंगे कि अरेस्ट हो गए, वो हो गए, ये हो गए, लेकिन मैं नहीं मानती कि अरेस्ट हो गए। जब तक हमारे सामने अरेस्ट करके नहीं लाएंगे उन गुंडों को, तब तक आपको हिलना नहीं है। क्योंकि सुखदेव सिंह ने हमेशा सुखदेव सिंह ने कभी लेटरों पे अपना वो नहीं लिया, कभी भी आश्वासन नहीं लिया। सुखदेव सिंह ने ताल ठोक के अपना काम करवाया है। वैसे ही आप लोग सुखदेव सिंह हो, आपको ताल ठोकनी है अपनी इस बहन के लिए। ये झोली मेरी आज खाली है, आप लोगों को भरनी है, और उन लोगों की मौत के साथ ही मेरी ये झोली भरेगी। अब आपको मेरे से वादा करना होगा कि आप जब तक नहीं लोगे, जब तक कि ये आंदोलन पूरा ना हो, उग्र भी कर सकते हैं, मेरा साथ देना पड़ेगा आपको। क्योंकि आवाज कम करो, शांत रहो। जब तक कि आप लोगों को पता है कि धरना प्रदर्शन करना हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है, लेकिन ये धरना तब तक आपको खारिज नहीं करना है जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो। क्योंकि हमारी मांगे पूरी न करने के लिए ये लोग हमारे को अभी भगा रहे हैं कि ये आश्वासन दे दिया, वो आश्वासन दे दिया। अरे काय का आश्वासन साड़ो कुत्तो, तुमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करवा ली। पहले मांगी थी ना, जब दे देते सिक्योरिटी तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती मैं आप लोगों के बीच में आके। इन कुत्तों ने साड़ों ने दगा किया हमारे साथ, उस दगे को भूलना नहीं है। और सभी भाइयों से मेरी यही अपील रहेगी कि प्लीज जब तक कि ये मांगे पूरी नहीं हो जाएं, आप कहीं भी मत ही लिएगा। हाँ, और पूरे और मैं ये कहती हूँ, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के राजपूतों का आह्वान करती हूँ मैं कि भाइयों पधारो। एक बहन ने तुम्हें पुकारा है, जब जब बहन ने पुकारा है तो राखी का बंधन का आपको उसका बंधन निभाना पड़ेगा। मेरे बंधन को आप लोगों को तोड़ना नहीं है। जितनी मांगे अपनी मान ली, चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एक मांग मेरी माननी है। जब तक कि उन साले गद्दारों को, उन कुत्तों को, वैसे आपके दादा हमेशा ही कहते हैं 35 कौम, आज मैं भी कहती हूँ कि 35 कौम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और साले कुत्तों, तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दादा की तैयार की हुई शेरनी हूँ मैं, उसी की शेरनी हूँ, और तुम्हें देख लूंगी मैं, ठीक है। और मेरी जब तक हमारी मांग पूरी ना हो, आप लोगों के हिलना नहीं होगा। ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता, आप हिलोगे नहीं। और कल भी राजस्थान को बंद रखना है। और पूरे भारत के राजपूतों, आह्वान करती आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन, प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। क्योंकि आज सुखदेव सिंह उनका निशाना बना है, कल आप में से या मेरे में से भी कोई बन सकता है। इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं, हम सब एक है। हम सब एक है। हम सब एक है।